ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के क्या कह रहा है कि जो एंगल्स है ये इन रेशियो में है। मान लेते हैं कि एक ऐसा कोई सा भी ए बी सी और डी है, तो इनके ये जो एंगल्स हैं ये रेशियो में दिया हुआ है। हमारे पास क्या दे रखा है, 3:5:9 और ये 13, है ना। तो ये 3 डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो हम इसको मान लेंगे 3x 5x 9x और 13x। तो बन जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखते हैं लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 5x और थर्ड एंगल इक्वल टू 9x एंड फोर्थ एंगल इक्वल टू 13x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के सम क्या हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। तो लिखेंगे 3x+5x+9x+13x इक्वल टू 360। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3+5+9+13 इक्वल टू 30x इक्वल टू 360, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 360/30। तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 3 1 3 3 2 6 इक्वल टू हो गया 12। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 12। तो फर्स्ट एंगल निकालेंगे, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, इट मीन्स 3 × 12 इक्वल टू 36 डिग्री, है ना। सेकेंड एंगल क्या है हमारे पास, 5x, इसका मतलब हो गया 5 × 12, ये हो गया 60 डिग्री। थर्ड एंगल क्या हमारे पास, 9x, तो ये हो गया 9 × 12, ये हो गया 108 डिग्री, ठीक है। और लास्ट एंगल हमारे पास फोर्थ एंगल इक्वल टू 13x, इट मीन्स 13 × 12, तो ये हो गया 156 डिग्री। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।